हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन, यानी क्लास 9th का एक टाइप निकल गया था है जिसको आप मेंसुरेशन के नाम से जानते हो, क्षेत्र मिति के नाम से। तो क्षेत्र मिति से पहले आप लोगों को जानना होगा थोड़ी सी बात कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। यानी 2D और 3D में अंतर क्या होता है। 2D वाली बात यहाँ से निकलती है कि 2D को आप किसी, यानी चित्र उसका इस वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे बना सकते हो, लेकिन जो 3D होता है उसको हम केवल क्या करते हैं, उसको केवल हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसी प्रकार से ये आकृति हो सकती है। जिसमें से आज हम 3D में बात करेंगे, तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। जिसकी अंग्रेजी होती है मेंसुरेशन। इसमें दो पार्ट निकल के आता है, एक होता है 3D, एक होता है 2D, यानी 3D पार्ट और 2D पार्ट। अब 3D पार्ट को आपने देखा कि ऐसी आकृति जिसमें आप लोग पहले तो पढ़ेंगे, इसमें तो कई प्रकार की होती है, जिसमें आपका आता है घन, आता है घन, आता है फिर इसी से घनाभ निकलता है, फिर यहीं से बेलन आता है, फिर यहीं से खोखला बेलन आता है, खोखला बेलन आता है। ठीक, यानी इतनी बातें आप लोगों को इस थोड़ी सी देखनी होगी, फिर आगे वाली क्लास में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि घन क्या होता है, घन को आप लोग कैसे जानोगे कि यह आपका घन है। तो घन क्या होता है कि घन आप कई वर्ग को अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाओगे तो वहाँ से घन वाली आकृति दिखाई देने लगती है। जो आकृति इस प्रकार से होती है, यानी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि कई वर्गों को एक साथ मिलाने पर बनी आकृति बनी आकृति ही घन कहलाती है। ठीक, अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वर्ग रखते जाओगे तो वहां से आपको घन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम चित्र देख लेते हैं, ये आपका वर्ग है, अब इसी के ऊपर रखते जाओगे तो ई इस प्रकार से आकृति निकल के आती है। यानी 2D में क्या होता है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो इसमें आपकी ऊंचाई देखने को मिलेगा h, इसका आपको बेस देखने को मिलेगा मान लेते हैं b, और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई होती है, इसको मान लो यल, मान लो थोड़ा रुको भाई, इसको यल मान लो, इसको बी मान लो, चलो देखते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है कि आप लोग जानते हो कि 2D वाली आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हो, लेकिन 3D वाली जो आकृतियाँ होती हैं उनका आयतन निकलता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी h बराबर भी ये होगा, यच बराबर भी ए होगा और बी बराबर भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा और यह भी आकृति क्या होगी, ए होगी। यानी यहाँ से आप लोग अगर आयतन निकालोगे तो आयतन क्या निकलेगा, आयतन निकलता है भुजा का क्यूब, तो भुजा आपकी ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा। फिर यहीं से निकल के आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे आपके पास घनाकार कोई घर है, घना घना घनाकृति कोई घर है, उसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को बोल देते हैं चार दीवारों का। चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है, आपके पास ई वाली आकृति यानी कोई घनाकार मैदान है, यानी चारों दीवारों का क्या होता है, यानी 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा आपकी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से बात निकल के आती है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आती है तो आपने चारों दीवारों का लिया था लेकिन नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला छत छूट गया था, तो वहाँ से निकल के आती है यानी 6 × a². अब एक बात आपको ध्यान देना होगा कि अगर घनाकार कोई मैदान है तो उसमें बड़ी से बड़ी क्षण रखने के लिए क्या सूत्र होता है। बड़ी से बड़ी क्षण रखने के लिए आप लोग किसी घनाकार मैदान में या किसी घनाकार घर में एक बड़ी से बड़ी क्षण रखना चाहोगे तो जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण जो होता है वही सबसे लंबी क्षण हो सकती है, यानी दोनों विकर्ण को आपस में मिलाओगे तो यही सबसे लंबी क्षण होगी। तो क्या जानते हो, यहाँ से अगर विकर्ण की बात आती है और यह भी कह देगा कि घन वाली आकृति में बड़े से बड़े क्षण की लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ से निकलता है √3 × a निकलता है। ठीक, तो अगली बात आपकी आती है, यही चार चार प्रकार थे, उसके चार सूत्र थे। अब अगली बात आती है घनाभ की। घनाभ क्या होता है कि आप कई आयत के ऊपर आयत रखते जाओगे, यानी आपकी आयत 2D आकृति है, जब आयत के ऊपर आयत रखते जाओगे तो वहां से इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, घनाभ, यानी आयत के ऊपर आयत रखने के बाद कुछ उसकी मोटाई होगी, कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। तो इसकी मोटाई मान लेते हैं बी है, इसकी लंबाई मान लेते हैं यल है, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो वही आप 3D निकाल रहे हो, 3D का क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर होगा यानी तीनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई यानी बेस इंटू हाइट, यानी एल बी एच अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वह क्या होगा, घनाभ वाली आकृति का होगा। फिर यहीं से अगली बात निकल के आती है, आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो इसका भी पृष्ठीय निकाल दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें भी वही बात निकलेगी कि चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आयत की बराबर होती हैं। तो यहाँ से ई वाली बात इसके बराबर होगी, यानी जो मोटाई होगी उस साइड वाली मोटाई के बराबर होगी, जो लंबाई होगी उस साइड के लंबाई के बराबर होगी, यानी दुई ठे लंबाई मिलेगी, दुई ठे चौड़ाई मिलेगी, और हाइट तो सब स्थान पे क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2l + 2b, और सबसे गुणा कर दोगे h। कैसे, हाइट आपकी यहाँ भी सेम रहेगी और यहाँ भी सेम रहेगी, सभी स्थानों पे हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहीं से आप दो कॉमन ले लेते हो, यही मिलता है l + b × h, ये आपका आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगली बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है कि आप, यानी जब घनाकार आकृति है, घनाभ वाली आकृति है, तो उसमें लंब यानी आमने सामने की भुजा और ऊपर नीचे कुल में सब आ जाएगा। तो कुल के लिए आप लोग क्या जानते हो, ब्रैकेट में हो जाता है LB BH और LH, यही ना, यानी 2 × LB + BH + LH, यह आपकी क्या हो जाती है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है।
अब यहीं से बात निकल के आती है, आप लोगों ने देखा था कि घन वाले में बड़ी से बड़ी छड़ रखने के लिए अंडर रूट 3 * a होता है, ए माने भुजा। अब यहाँ पे आप घनाभ वाली आकृति में सबसे बड़ी छड़ रखना चाहोगे तो वह भी क्या होगी, एक डायगोनल होगी यानी विकर्ण होगा। जब विकर्ण होगा तो वहाँ से विकर्ण क्या निकल के आता है, विकर्ण वही निकल के आता है कि आप अंडर रूट में क्या कर देते हो, एल स्क्वायर कर देते हो, एच स्क्वायर कर देते हो और बी स्क्वायर कर देते हो। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है, आप घनाभ वाली आकृति में बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हो। यहाँ से विकर्ण ना पूछकर यह भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान देना कि अगर सवाल में, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात निकलती है, अगर सवाल में आप लोगों से पूछा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसका, पृष्ठ का, जब पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग क्या कहोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। जब कहेगा केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो या पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वहाँ से आप लोग कौन सूत्र लगाओगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। अब एक बात और निकल के आती है, जब कहता है क्या, जब कहेगा कि पार्श्व का, किसका, पार्श्व का क्षेत्रफल निकालो, तब वहाँ से आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे। तो आप लोगों ने घन देखा, घनाभ देखा, अगली टॉपिक निकल के आती है बेलन, यानी क्लास 9th में अगली टॉपिक है बेलन। अब बेलन का निर्माण कैसे होगा, यानी आप वृत्त के ऊपर वृत्त रखते जाओगे, यानी एक वृत्त के ऊपर कई वृत्त रखोगे तो इस प्रकार से आकृति देखने को मिलेगी। यही ना, यानी वृत्त के ऊपर रखते गए तो यहाँ से आपकी यह आकृति मिल गई, यह त्रिज्या होगी आर होगी, यहाँ से एक त्रिज्या होगी जो आर होगी और इसकी ऊंचाई हो जाएगी एच। फिर वही बात कि इसका आयतन निकालोगे आप लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों पॉइंट इसमें आएंगे, यानी आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन के लिए आप क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात आती है टू पाई आर एच। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बस यही थोड़ा क्या होता है, 2πr हो जाता है, ब्रैकेट में h प्लस r। आप लोग यहाँ देख रहे हो कि इसमें पाई का मान होता है 22/7 और r उसकी त्रिज्या है बेलन की और हाइट क्या है, h है। यहाँ से भी वही बात, फिर यहाँ से भी वही बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।